सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। आज का दिन बहुत खास है, आज बहुत प्रेशर वाला डे, बिकॉज कल हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो होपफुली आप सबकी तैयारी अच्छी होगी और आप बी फोकस रहेंगे। देखो, सबसे पहला जो आपने काम करना है, आराम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचिए वेल बिफोर द टाइम। अपनी सीट पर बैठिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह आराम से जो आपको पता है उनको देखिए आराम से, ठीक है। फैमिलियर होइए उस एटमोसफेयर के साथ जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है, हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना, समझ आ गई बात। दूसरी बात, आपको जो टाइम ख़राब होता है उसको रिड्यूस करना है, मतलब आपने एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो स्किप कीजिए, ये एक मेजर पोर्शन होता है, स्किपिंग ऑफ क्वेश्चन एक आर्ट है जो आपको आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन फॉर अ व्हाइल, क्या पता बाद में टाइम बचे आप रिलैक्स माइंड से कर सकें, क्योंकि आपको सबसे पहले अच्छे क्वेश्चंस को पिक करना आना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे अच्छे से, ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। और आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 ई एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये करना चाहिए, क्या वो करना चाहिए, फोटोज किस उसमें लेके जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सारी की सारी बातों का आज हम यहाँ पे हल निकालने वाले हैं। क्लियर है? देखो, चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी टू द नोटिस ऑफ द यूपीएससी इमीडिएटली। अगर कोई दिक्कत है तो यूपीएससी से कॉन्टैक्ट कीजिए, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज अगर होगी तो अभी तक आपने कर लिया होगा। अब आपके पास कल एग्जाम डे, क्लियर, मैंशन योर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आई डी एंड नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन इन द कोरस्पॉन्डेंस विद द यूपीएससी। ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट, मतलब आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेना है अलॉन्ग विद द ओरिजिनल फोटो आई डी कार्ड हुज नंबर इज मैंशन इन द ई कार्ड, ई एडमिट कार्ड इन ईच सेशन ऑफ सिक्योर एडमिशन और टू एग्जामिनेशन हॉल। ई एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रिजर्व टिल द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। मतलब आपको क्या करना है, आपको उसका प्रिंट आउट लेना है और आपके पास वहाँ पे आपने वहाँ पे कुछ आईडी भरी होगी, सेम आईडी आपको लेके जानी है, फोटो आईडी होनी चाहिए बेसिकली, मतलब फोटो आईडी हुई होनी चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ ई एडमिट कार्ड एंड इन द इवेंट ऑफ एनी पर्सनल यूजिंग दिस ई एडमिट कार्ड द वंस लाइफ, मतलब आपको अपना ई मेल, आपको जो एडमिट कार्ड है वो संभाल के रखना है कि उसका कोई यूज़ ना कर पाए, बेसिकली यही है, नॉट यूज द सर्विस ऑफ एनी, ठीक है, मतलब संभाल के रखिएगा। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी ओमिशन, मिस्टेक, डिस्क्रिपेंसीज इन द इनकोडिंग, फिलिंग इन डिटेल इन ओएमआर शीट, आंसर शीट स्पेशली विद रिगार्डिंग रोल नंबर एंड टेक्स्ट बुकलेट सीरीज कोड विल रेंडर। देखो, आपने जो अपना ओएमआर शीट भरना है उसमें आपका एक, जब एग्जाम आएगा ना, पेपर आएगा, उसका बुकलेट सीरीज कोड होता है, वो ध्यान से भरिएगा, प्लीज़ गलत मत भरना। और दूसरा, जब आपको रोल नंबर भरोगे डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है ध्यान से भरना, ध्यान से एक चीज़ बिल्कुल आराम से आपने भरनी है, ठीक है। इसीलिए मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह होती है कि आप आराम से जब आप ओएमआर फिल करते हो इजीली आप इस सारी चीज़ों को देख सकें, वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज़ नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वैल्यू शैल बी क्लोज 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज 9 बजे। 9 बजे आपका जो पहला पेपर है आपका, 9 बजे एंट्री क्लोज है, तो मैं उम्मीद करूंगा वेल बिफोर 9 बजे आप अपनी एंट्री कर चुके हो, क्लियर है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल के एटमोसफियर से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको उस एटमोसफियर में भी ढलना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी सीट कंफर्टेबल है नहीं है जहाँ बैठे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कब पता चलेंगे, जब आप आराम से बैठ के कंफर्टेबली वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एंड 2 PM फॉर द आफ्टरनून सेशन, और जो दोपहर वाला सेशन है आपका एग्जाम 2 है, उसमें 2 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, तो उसके पहले आपने पहुँचना है, ठीक है। इसके बाद एंट्री अलाउड नहीं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंटर द एग्जामिनेशन वेल वेन्यू वेल इन टाइम फॉर फ्रिस्किंग। तो बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए, फिल आउट के लिए आपको पहले पहुंचेंगे तो ज़्यादा बेटर, आप ही का टाइम बचेगा उसमें, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर एग्जामिनेशन वेन्यू, मतलब जो आपके आई कार्ड पे एडमिट कार्ड पे वेन्यू लिखे हैं उसी में आपको एग्जाम दिया जाएगा, ये आपको पहले से पता है। आपको इंस्ट्रक्शन देखिए, रीड द स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन गिवन इन द रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन अवेलेबल इन एग्जामिनेशन नोटिस एंड द
पोस्टर कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो आपको एक एग्जामिनेशन वेन्यू के बाहर आपको रूल फॉर द एग्जामिनेशन मिलेगा, उसे ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या आपको नहीं करना है वहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एग्जामिनेशन प्रोविजनल नेक्स्ट बोला गया है, कैंडिडेट शुड नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी यूजिंग मोबाइल फोन। ये हमें सबको पता है, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं होती। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, स्विच ऑफ मोड में भी नहीं। प्लीज़ कोई ऐसा काम मत करना, आपने पूरे साल मेहनत की, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ये काम तो हम करेंगे नहीं, हमें पता है, ठीक है। पेजर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेजर देखिए बड़ा टाइम हो गया है ना, इक्विपमेंट और प्रोग्रामेबल डिवाइस, स्टोरेज मीडिया, पेन ड्राइव भी लेके जानी, स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जानी, स्मार्ट वॉच भी लेके जानी, सिंपल वॉच शायद लेके जा सकते हैं पढ़ते हैं, और कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइस और एनी अदर इक्विपमेंट और रिलेटेड एसेसरीज आइदर इन वर्किंग और स्विच ऑफ मोड, मतलब कोई भी अलाउड नहीं है। कम्युनिकेशन डिवाइस जिस तरह से भी हो सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यूज ऑफ नॉर्मल और सिंपल रिस्ट वॉच बाय कैंडिडेट्स इज अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम। और मतलब सिंपल वॉच, सिंपल सुई वाली वॉच अपने, अगर मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोलूं, सुई वाली वॉच अलाउड है अपने पास, बट डिजिटल वॉच नहीं लेके जाइए। हाउ एवर यूज ऑफ वॉच इज फिल्ड विद एनी स्पेशल एसेसरीज दैट माइट बी यूज फॉर कम्युनिकेशन डिवाइस और स्मार्ट वॉचेज इज स्ट्रिक्टली प्रोविडेड एंड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड। स्मार्ट वॉचेज अलाउड नहीं है, नॉर्मल वॉच लेके जाइएगा अगर लेके जानी हो तो। आपको नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी है, ठीक है, दोनों में ही, बोथ द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन। अब एक बात सुनो ध्यान से, आंसर अदर देन दोज मार्क्ड बाय ब्लैक बॉल पेन विल नॉट बी इवेल्युएटेड। मतलब आपको ब्लैक पेन लेके जाना है इवेल्युएशन के लिए, ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग एन वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम एंड बैग टू द एग्जामिनेशन वेन्यू एज सेफ कीपिंग ऑफ सेम कैन नॉट बी अश्योर्ड द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस इन रिगार्ड। मतलब आप कोई वैल्यूएबल चीज़ मत लेके जाओ, ठीक है, समझ रहे हो आप भी, बैग वगैरह रखने की कोई जगह नहीं मिलने वाली, कमीशन ने साफ बोला। हाँ वैसे ही कोई जगह मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता कि आसपास कुछ हो, आई कांट से मैं कह नहीं सकता, बट कमीशन ने साफ साफ बोला मत आइए, सिर्फ आप आइए, एडमिट कार्ड आइए और पेन लेके आइए, दैट्स इट, ठीक है। अ कैंडिडेट हुज, अब ये मेरे से पूछा गया था एक बच्चे ने कि सर ये क्या करना है, आप अपना आईडी कार्ड जब देखेंगे वहां पे फोटो दिखाई गई है, देखो क्या बोला गया, अ कैंडिडेट हुज फोटोग्राफ ऑन हिज हर ई एडमिट कार्ड इज नॉट क्लियर और द फोटोग्राफ इज विदाउट हर हर नेम डेट ऑफ फोटोग्राफ विल हैव टू ब्रिंग अ फोटो आइडेंटिटी। मतलब आपकी फोटो साफ ना हो, उस पर डेट वगैरह नाम वगैरह मेंशन ना हो, तब आपको क्या करना है, दो एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज, जहां तक लग रहा है टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ वन ऑफ ईच सेशन फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन विद एन अंडरटेकिंग। एक अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा और उसके साथ आप फिर एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। तो प्लीज गलती मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी सी चीज, मैं नहीं चाहूंगा, एक साल की मेहनत की है आपने, इतनी रात हम जागे हैं, इतनी हमने तैयारी की है, ठीक है, कंडीशन कैसी भी हो, बस हम लगातार पढ़े, तो छोटी सी गलती के पीछे प्लीज ये गलती भारी ना पड़े, तो एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। अभी समय है, तो अगर कुछ लगता है ऐसा आपको तो प्लीज उसको ठीक कीजिए, फोटो लेके जाइए। कैंडिडेट में प्लीज इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स एंड मैच सच नेम फोटोग्राफ क्यू आर कोड एडमिट कार्ड आर करेक्ट इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज दे मे कॉन्टैक्ट यूपीएससी। चलिए, कैंडिडेट हुज आर ऑप्टेड फॉर देयर ओन स्क्राइब, मतलब सहायक, मे नोट दैट देयर ओन स्क्राइब विल बी अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन ओनली विद अ सेपरेट ई कार्ड फॉर सच सब्सक्राइब। मतलब अगर आपका कोई सहायक है, जो जैसे कोई लिखने के लिए आ रहा आपके साथ, किस तरह की सहायता है आपको जो चाहिए, उस केस में उनका भी एडमिट कार्ड हमें चाहिए। ये नहीं कि हमारे एडमिट कार्ड से उन्हें एंट्री दे देंगे, नहीं, उनका सेपरेट एडमिट कार्ड है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर, द एडमिट कार्ड फॉर द ओन स्क्राइब्स विल बी इशूड सेपरेटली, तो सेपरेटली इशू किए गए हैं, क्लियर। ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट दे शुड विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब आप एक दिन पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखाओ, ताकि सेम डे हड़बड़ाहट ना हो कि हम तो लेट हो गए, हमें तो पता नहीं है, एक दिन पहले देखा होगा तो रास्ते का आपको पता चल जाएगा इजीली, ठीक है। इफ यू हैव चेंज्ड योर नेम बाय फॉलोइंग, अगर आपने नेम फॉलो किया है, या सॉरी नेम आपका चेंज हुआ है, या आपने कुछ किया है लीगल प्रोसेस के थ्रू, गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिटी कार्ड और लीगल गजट नोटिफिकेशन चेंज नेम फर्दर यू वुड
बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो मुझे फॉलो करनी है। तो होपफुली सारी चीज़ें एक एक छोटी छोटी चीज़ भी क्लियर होगी होगी, चाहे वो स्क्राइब के आपके अलग एडमिट कार्ड के साथ हो, या क्या नाम है आपके फोटोग्राफ से रिलेटेड हो कि किस कंडीशन में मुझे अलग फोटोग्राफ्स लेके जानी है। सो होपफुली ये सब इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी। ऑल दी बेस्ट। मैं अभी भी आपको एक ही बात बोलूँगा, दो तीन चीज़ों का ख्याल रखिए। एक तो टाइम पे पहुँचिए, टाइम से पहले बहुत पहुँचिए, ताकि आप लोग, क्योंकि हड़बड़ाहट बहुत होती है, मैं क्योंकि यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम है ना, अगर आप टाइमली नहीं पहुँचेंगे ना तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। एग्जामिनेशन हॉल में अपने आपको फोकस रखना है, आपने कैसे फोकस रखना है, दो तीन चीज़ों का ख्याल रखूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना। एग्जाम के टाइम पर सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए, अपने ओएमआर शीट को देखिए, उसे अच्छे से फील करना है आपने, और साथ के साथ भरते रहो। ठीक है, टाइम मिले तो जो क्वेश्चन छूट गया उन्हें देखिए, रिवाइज करने का टाइम मिले तो ज़रूर कीजिए। क्लियर, ऑल दी बेस्ट। और एक चीज़ और, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय मत खराब करना। ठीक है, मत खराब करना प्लीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइम वैल्यूएबल है आपके लिए, वो टाइम आपका फ्यूचर है। क्लियर, सो प्लीज़ ऑल दी बेस्ट। मुस्कुराते हुए जाइए और हंसते हुए वापस आइए, और प्लीज़ 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 बताइएगा एग्ज़ाम कैसा हुआ। ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, आराम से कीजिए, आपने पूरे साल मेहनत की है तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब करने की ज़रूरत है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।